Good morning, friends. In the last video, you have learnt features and importance of staffing. This staffing is closely related to organizing function. क्योंकि organizing function में organizational structure और various job positions design करने के बाद staffing process के द्वारा ही इन vacant post को fill किया जाता है. अब staffing में केवल एम्प्लॉय रिक्रूट और सिलेक्ट नहीं होता, बल्कि इस एम्प्लॉय से रिलेटेड हर एक्टिविटी की जाती है, जैसे एम्प्लॉय को ट्रेंड करना, मोटिवेट करना, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉम्पेंसेशन डिसाइड करना. इसलिए हम कहते हैं कि स्टाफिंग इज अ जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपने एरिया के लिए स्टाफिंग फंक्शन करे. बिग ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऑफकोर्स टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स स्टाफिंग फंक्शन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. यह डिपार्टमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग से रिलेटेड हर एक्टिविटी परफॉर्म करता है. इसलिए हम कहते हैं कि स्टाफिंग इज अ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी. Staffing is a line activity because it is the responsibility of all managers. Staffing is a staff activity because there is a separate department known as human resource department related to employees, just like marketing department and finance department. Now we come to the various steps in the staffing process. Friends, examination point of view से staffing process बहुत ही important है और इस प्रोसेस की सभी स्टेप्स आपको सीक्वेंस में लर्न करनी है. द फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. मैन पावर रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब हमें सबसे पहले यह एस्टिमेट करना होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और ये कौन से क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन वाले होने चाहिए. द एम ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट इज टू डिटरमाइन नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, यानी हमें टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, साथ ही यह किस कैटेगरी किस टाइप के होने चाहिए, यानी इन एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्पेशल स्किल, कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके साथ ही मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसी भी ध्यान में रखनी चाहिए. यदि उन्होंने लेडीज़ को अपॉइंट करने के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी बनाई है, या फिर कुछ एम्प्लॉयज बैकवर्ड कम्युनिटीज से होंगे या स्पेशल एबिलिटीज वाले होंगे. देन मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए दो एनालिसिस की जाती है, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस. Workload analysis means to find out the total number and type of employees needed. यानी हमारी organization में total कितने employees और किस type के किस category वाले employees की requirement है. Workforce analysis means the availability of employees in the organization. यानी हमारी organization में कितने employees और किस category वाले employees available है, ये find out करना. वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस की बेसिस पर हम यह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग है या अंडर स्टाफिंग. यदि ओवर स्टाफिंग हुई तो कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकालना होगा या ट्रांसफर करना होगा. अंडर स्टाफिंग हुई तो हमें रिक्वायर्ड पोस्ट पर एम्प्लॉयज हायर करने होंगे. इसका मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन में हर समय ऑप्टिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, यानी राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द राइट पोस्ट एट द राइट टाइम विथ राइट एबिलिटी. हर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एनालिसिस की जाती है. जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. नाउ व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन? इट इंक्लूड्स जॉब टाइटल, यानी इस जॉब का टाइटल डेजिग्नेशन क्या है, जैसे जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर. लोकेशन, इस जॉब का वर्किंग एरिया क्या होगा. समरी, रिपोर्टिंग टू, यह जॉब वाला पर्सन किसे रिपोर्ट करेगा. वर्किंग कंडीशन, ड्यूटीज, मशीन यूज एंड हजार्ड्स. नाउ जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स कैंडिडेट्स प्रोफाइल,
It includes qualification, experience, training, skill, responsibility and emotional characteristics required in an employee. I hope you have understood the first step of staffing process. Second step is recruitment. फर्स्ट स्टेप में हमने यह एस्टिमेट किया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है. फिर हमने जॉब एनालिसिस करके या फाइंड आउट किया कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन पोस्ट क्या होगी, इस पोस्ट के लिए एम्प्लॉय में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन स्पेशल एबिलिटीज होनी चाहिए. इस बेसिस पर हम एडवर्टीजमेंट लिखते हैं. अब इस एडवर्टीजमेंट से हमारा एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. सो द एम ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स बाय गिविंग वैकेंट पोस्ट एडवर्टीजमेंट. रिक्रूटमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. रिक्रूटमेंट का एम होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वैकेंट पोस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करें. दैट इज रिक्रूटमेंट, टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स. नाउ देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स में हमने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का प्रमोशन कर दिया या फिर उसका ट्रांसफर कर दिया. एक्सटर्नल सोर्स में हम बाहर से किसी न्यू कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इन डिटेल. सो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एज इट एनकरेजेस पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब्स. थर्ड स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस इज सिलेक्शन. सिलेक्शन इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स डेवलप थ्रू रिक्रूटमेंट. इसका मतलब सेकेंड स्टेप रिक्रूटमेंट के जरिए हमने जो कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट किया है उसमें से बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना. इसके लिए हमें प्रॉपर साइंटिफिक मेथड यूज करनी चाहिए. नाउ द एम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. द फर्स्ट इज टू चूज मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट आउट ऑफ वेरियस एप्लीकेंट्स. मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक वैकेंट पोस्ट है और इस वैकेंट पोस्ट के लिए हमारे पास हजारों एप्लीकेशंस आई है. अब हमें प्रॉपर साइंटिफिक मेथड यूज करके बेस्ट सुटेबल पर्सन को चूज करना है. द सेकेंड इज टू एनहांस सेल्फ एस्टीम ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा, उसका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस यूज करके ही उसका सिलेक्शन हुआ है. इसका मतलब उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज है. ऑर्गेनाइजेशन का हर काम बहुत सीरियसली किया जाता है. नाउ द फोर्थ स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट मीन्स असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब टू सिलेक्टेड कैंडिडेट. इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में हमने जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है उस कैंडिडेट को उसकी जॉब, उसकी पोस्ट असाइन करना. ओरिएंटेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडक्शन. इट मीन्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन. ओरिएंटेशन या इंडक्शन मीन्स न्यू कैंडिडेट जो ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हुआ है उसे ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराना, उसे उसके कलीग से फैमिलियर कराना, सभी डिपार्टमेंट दिखाना ताकि वह ऑर्गेनाइजेशन में क्विकली सेटल हो जाए और अपना काम स्टार्ट कर सके. यह इंडक्शन फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों हो सकता है. फॉर्मल इंडक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का कोई एग्जीक्यूटिव या मैनेजर्स जितने भी न्यू कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को ऑर्गेनाइजेशन की जनरल इंफॉर्मेशन, प्लान्स एंड पॉलिसीज, सेमिनार, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके देता है. यह एग्जीक्यूटिव इन न्यू कैंडिडेट्स को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट से फैमिलियर करवाता है. दैट इज फॉर्मल इंडक्शन. यह एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है. इनफॉर्मल इंडक्शन में इस न्यू एम्प्लॉय का इमीडिएट सुपरवाइजर या फिर कोई ओल्ड एम्प्लॉय इस न्यू कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन देता है.
इसके साथ ही जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे वैसे यह सुपरवाइजर, एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह न्यू कैंडिडेट का गाइडेंस करता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन बताता है. सो दिस इज ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन. द फिफ्थ स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इट इम्प्रूव्स जॉब नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉय. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से एम्प्लॉय का जॉब नॉलेज इंक्रीज होता है, उसकी एफिशिएंसी कॉम्पिटेंस इंक्रीज होता है. इट वर्क्स एज अ मोटिवेशनल टूल फॉर द एम्प्लॉय. इट इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देयर मे बी इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर और टाई अप विद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ट्रेनिंग सेंटर भी हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ टाइप कर सकती है. करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वे फ्यूचर में प्रमोट हो सकते हैं, इससे उनका करियर भी डेवलप होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. द सिक्स्थ स्टेप इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. Appraisal means to assess the value or worth of. So performance appraisal means to assess the value or worth of performance of a person. It refers to systematic evaluation of employee's performance against predetermined standards and their potential for development. Performance appraisal के लिए सबसे पहले standards decide किए जाते हैं कि किसी एक particular job के लिए expected result क्या है. फिर एम्प्लॉय के एक्चुअल परफॉर्मेंस को इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है. मान लीजिए एम्प्लॉय का एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से लो है तो इस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत है. लेकिन यदि एम्प्लॉय का एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा अच्छा है तो इस एम्प्लॉय का हम प्रमोशन कर सकते हैं. टू डिटरमाइन पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर. परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर हमें किसी एम्प्लॉय का पोटेंशियल यानी उसकी क्षमता पता चलती है कि फ्यूचर में इस एम्प्लॉय का क्या हम प्रमोशन और ट्रांसफर कर सकते हैं. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड. परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए इनफॉर्मल मेथड हो सकती है, जैसे कि एम्प्लॉय का इमीडिएट सुपरवाइजर रेगुलरली उसके वर्क बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और फिर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल देता है. फॉर्मल अप्रेजल मेथड जैसे रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक. परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय को फीडबैक भी दिया जाता है कि उसका परफॉर्मेंस किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या वह अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकता है. इस मेथड की बेसिस पर ही एम्प्लॉयज का कॉम्पेंसेशन भी डिसाइड होता है. यह एक मोटिवेशनल टूल भी है. द सेवेंथ स्टेप इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. प्रमोशन रेफर्स टू एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट हायरार्की. एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने से उनकी एफिशिएंसी और स्किल इम्प्रूव होती है, जिससे फ्यूचर में उनका प्रमोशन हो सकता है. प्रमोशन मीन्स हाई जॉब पोजिशन, मोर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर पेमेंट, हाई प्रेस्टीज, हाई स्टेटस. अ करियर कैन बी डिफाइंड एज ऑल द जॉब्स हेल्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग हिज वर्किंग लाइफ. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज. फर्स्ट वी सी द एग्जाम्पल ऑफ करियर. एक अकाउंट ऑफिसर का करियर पाथ देखिए. जूनियर अकाउंट ऑफिसर टू सीनियर अकाउंट ऑफिसर टू चीफ अकाउंट ऑफिसर टू कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस. इसी तरह एक लेक्चरर का करियर पाथ देखिए. लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, रीडर, डीन, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी. इसका मतलब एक पर्सन करियर पाथ में अपनी वर्किंग लाइफ में डिफरेंट सेपरेट जॉब्स करता है, लेकिन यह सभी जॉब सेम फील्ड से रिलेटेड है. मैनेजमेंट अपने स्टाफ को प्रमोशन और करियर प्लानिंग के लिए एनकरेज करने के बाद उनका कॉम्पेंसेशन डिसाइड करता है. सो द एट स्टेप इज कॉम्पेंसेशन. एट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ पे एंड रिवॉर्ड्स गिवन टू एम्प्लॉयज.
कॉम्पेंसेशन पॉलिसी, मैनेजमेंट को एक साउंड कॉम्पेंसेशन पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करें। दिस पॉलिसी डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। सैलरी ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर्स, यदि आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज़्यादा सैलरी ऑफर करते हैं तो हो सकता है आपका स्टाफ आपके कॉम्पिटिटर्स के पास डाइवर्ट हो जाए। गवर्नमेंट रूल्स लाइक लेबर लॉज, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, द इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, तो कंपनी को कॉम्पेंसेशन डिसाइड करते समय गवर्नमेंट रूल्स और लॉज को भी ध्यान में रखना होता है। देन बार्गेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियन, आपकी ट्रेड यूनियन सपोज हाई सैलरी वेजेस की डिमांड करती है तो उनके बार्गेनिंग पावर को देखकर भी आपके वेज स्केल में चेंजेस आते हैं। नाउ द फॉर्म्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट एंड इनडायरेक्ट पेमेंट। द डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट इंक्लूड सैलरी वेजेस कमीशन, इट मे बी टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड मीन्स आपकी सैलरी और वेजेस वीकली मंथली एनुअली फिक्स है। परफॉर्मेंस बेस्ड यानी एक वर्कर जितना प्रोडक्शन करेगा उतनी यूनिट्स के हिसाब से उसे पेमेंट मिलेगा, सो दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। जैसे हमने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम गिवन बाय टेलर देखा। नाउ इनडायरेक्ट पेमेंट लाइक रेंट फ्री होम, फ्री कार, इस पेमेंट में ऑर्गेनाइजेशन कैश देने की जगह एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज देती है। इन फैसिलिटीज परक्विजिट्स इंसेंटिव से एम्प्लॉय अट्रैक्ट होता है और लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव्स, कुछ केसेस में मैनेजमेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन देता है, यानी कि कुछ सैलरी फिक्स होती है और कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। जैसे एक सेल्समैन, उसकी मंथली सैलरी फिक्स होती है प्लस वो जितनी सेल्स करेगा उसका कुछ परसेंटेज उसे कमीशन के फॉर्म में मिलेगा। इसी तरह मैनेजर्स सैलरी एंड कमीशन, मैनेजर की मंथली सैलरी फिक्स होती है और इसके बाद उस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर कुछ परसेंटेज उसे मिलेगा, सो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम बेस्ड प्लस इंसेंटिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 8 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। फ्रेंड्स, यह सभी स्टेप्स आप सीक्वेंस में लर्न करिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।